हेलो फ्रेंड, एके इलेक्ट्रिकल हिंदी चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बतलाएंगे इलेक्ट्रिक मीटर जो होता है घर का, ऑफिस का, उसका बिल आप कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई कनेक्शन करके हम नहीं बतलाएंगे, नहीं कोई कुछ भी कि आप यहाँ पर एक तार रख दीजिए, वैसे रख दीजिए जिससे आपका बिजली बिल कम हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा कैसे हम करके बतलाएंगे। तो दूसरा कोई बतला देते हैं कि यहाँ से ऐसे तार रखिए, यहाँ पर चुंबक रख दीजिए, उससे कम नहीं होता है, नहीं कोई कनेक्शन करने से कम होता है। कम एक ही शर्त में होगा, जब आप यहाँ से चोरी करिएगा तो चोरी करना अलाउ नहीं है। नहीं, हम बतलाएँगे कि आप चोरी करिए, तो इसका एक तरीका है, आप कम कर सकते हैं। आपका घर में अगर एसी है तो एसी को आप जितना टेम्परेचर ज़्यादा में रखिए, जैसे कोई कोई क्या करते हैं 16 में कर देते हैं, तो आपको 16 में रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 16 में बहुत ज़्यादा ठंडा होने के बाद कंप्रेसर बंद होता है, जिससे कंप्रेसर चलते रहता है, तो जितना कंप्रेसर चलेगा उतना मीटर उठेगा। आप इसको कम से कम 22 में रखिए, 16 में नहीं रखिए, 22 में रखिएगा तो इसका जो कंप्रेसर है वो कम देर तक चलेगा, जितना कम चलेगा आपका उतना बिल कम उठेगा और आपका ठंडा सेम ही करेगा। ऐसा नहीं कि ठंडा आपका कम करने लगेगा रूम। आप छोटा रूम हो तो और ज़्यादा रखिए, 24 पे रखिए। दूसरा नंबर इंडक्शन होता है, इंडक्शन चूल्हा जो होता है उसको भी आप बिना काम के आप ज़्यादा वाट में नहीं रखिए, जितना कम वाट हो सके उतना में सेट करके चलाइए, तो आपका जो है बिल वो कम आएगा। तीसरा नंबर, सभी घरों में देखते होंगे इंडिकेटर लगे रहता है। इंडिकेटर जो होता है वो 15 वाट 8 वाट तक कलमसम होता है, जिससे कि आप एक घर में 4 ठो लगाए तो 50 वाट हो गया, आपका एक्स्ट्रा बिल उसमें जा रहा है। आप कोशिश करिए कि LED वाले इंडिकेटर दे, या तो एक ही इंडिकेटर दे घर में, जिससे आपका उससे भी बहुत बचत होगा बिल का। ऐसे बहुत कुछ है जिसमें आप यूज कम कर सकते हैं, जैसे लाइट है तो लाइट जलाने के लिए आप वोल्टेज का ज़्यादा ज़रूरत रहता नहीं है, आपके स्टेबलाइजर लगाते हैं। इन्वर्टर में आप हो गए, इन्वर्टर में आप क्या करिए, एक चेंजर लगा लीजिए जिससे कि लाइट रहे तो लाइट से ही चले, केवल बैटरी चार्ज होके बंद हो जाए। उससे भी ज़्यादा आप बचाना चाहते हैं अगर तो एक सोलर रखिए, जिससे सोलर से बैटरी को चार्ज करिए, सोलर से बैटरी चार्ज होगा तो आपका लाइन का बचत होगा, केवल रात में ही चार्ज होगा तो बहुत आधी बिल हो जाएगी, आपका बिल बचा सकते हैं इसे। देखिए, दूसरा कोई बतलाते हैं ऐसे कनेक्शन कर दो, ऐसे कनेक्शन, वैसे होता नहीं है, वो सारे झूठ बोलते हैं। आप करके देख लीजिएगा, अगर हुआ तो बोलिए हमको कमेंट करके, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया, हम क्या समझाने की कोशिश किए हैं आपको, आप कोशिश करिए। हर चीज़ को सेटिंग करने का एक तरीका होता है, उस सेटिंग पर रखिए, आपका सारा काम होगा। फ्रिज भी जो है उसको भी लिमिट में सेट रखिए, जितना आपका ज़रूरत है। इस ज़माना नहीं है तो आप क्यों ज़्यादा में रखिएगा, ज़्यादा में रखते हैं जिसके कारण ज़्यादा देर तक कंप्रेसर चलेगा तो ज़्यादा बिल आएगा। जितना यूज हो उतना ही आप रखिए, उससे ज़्यादा यूज रखने से आपको तो बिल ज़्यादा आएगा ही। तो ओके दोस्तों, एक इलेक्ट्रिकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम बहुत होम अप्लायंस वगैरह इलेक्ट्रिकल सभी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं, जो आपको मिलते रहेगा। बेल का आइकन प्रेस करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।